तो बाबरा नहीं पता, बताओ बाबरा नहीं। मुझे तो कासगर को पता है कि कासगर को नुकसान हुआ है, बदल गया हूँ, आपने मुझे दिखा दिए। आपने तो कोशिश क्यों नहीं कर रहे जो सुना कैसे बताओ नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। विधायक और तहसीलदार में तूतू मैं विधायक हुए, तहसीलदार को मारने पर उतारू। अगर विधायक का हाथ ना पकड़ा होता तो तहसीलदार के साथ हो जाती हाथापाई। फसल खराबे को विशेष गिरदावरी की बात को लेकर हुआ था विवाद, हाथापाई तक आ गई नौबत। फसल खराब की विशेष गिरदावरी की बात को लेकर बीजेपी विधायक और तहसीलदार में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों में हाथापाई हो गई। जब दोनों में तूतू मैं होने लगी तो बैठक के अन्य सदस्यों ने बीच बिछाव कर दोनों को अलग किया। विवाद बढ़ता देख लोगों ने तहसीलदार को बाहर जाने की सलाह दी, जिसके बाद वो बाहर चले गए। मामला हनुमानगढ़ जिले के संगरिया का शनिवार का है। जानकारी के अनुसार संगरिया क्षेत्र में बरसात, ओलावृष्टि और अंधड़ से किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा है। शनिवार को पंचायत समिति ऑफिस में राजीव गांधी जल संरक्षण योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की तैयारी की डीपीआर के अनुमोदन को लेकर बैठक हुई। बैठक में किसानों के फसल खराबे को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान संगरिया विधायक गुरदीप शाह पानी ने फसल खराबे की स्पेशल गिरदावरी की मांग की। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। एमएलए ने तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण को बाहर जाने के लिए कहा तो तहसीलदार ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, आप जाइए। इस पर विधायक ने कहा कि क्या बोल रहे हैं, थप्पड़ मारूंगा तेरे। तहसीलदार ने कहा कि तेरे लगेगी। इसके बाद दोनों में हाथापाई तक नौबत आ गई। एसडीएम रमेश देव, विकास अधिकारी पवन सुथार और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीच बचाव किया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य विक्रम कलहरी ने फर्श पर बैठकर तहसीलदार के खिलाफ नारे लगाए। कलहरी और तहसीलदार के बीच भी बहस हुई। आखिरकार तहसीलदार को मौके से जाना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विधायक गुरदीप शाहपानी ने बताया कि शनिवार को आरजीएसवाई की बैठक थी, जिनमें ग्राम पंचायतों के कामों का अनुमोदन करना था। इसके बाद ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उस पर चर्चा हुई। चर्चा करते करते तहसीलदार उखड़ गए और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। पंचायत समिति सदस्यों से तहसीलदार की चर्चा चल रही थी तो मैंने भी बीच में पूछ लिया कि फसल खराबे की इकाई किसको मानेंगे। वो इस बात को स्पष्ट नहीं बता पाए। हम इतना ही कह रहे थे कि नरमा बाग और अन्य फसल का जो नुकसान हुआ है वो सभी विशेष गिरदावरी में शामिल करें। मैंने कहा कि बिजाई अभी 25% ही हुई है, उसको आप 100% बता रहे हो, जिससे किसानों का क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसी बात को लेकर तहसीलदार उखड़ गए और धमकियां देने लग गए। तहसीलदार बदतमीजी से भी पेश आए, जिसको लेकर पंचायत समिति सदस्यों, प्रधान, सरपंचों ने निंदा प्रस्ताव पास किया है। सोमवार को भाजपा की बैठक भी है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि तहसीलदार को जब तक एपीओ नहीं किया जाएगा हम उसको ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। विधायक ने कहा कि इस व्यवहार के कारण तहसीलदार को गांवों में चल रहे किसी भी शिविर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण ने बताया कि अभी हाल ही में क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के बाद कलेक्टर के आदेश थे कि आपको क्षेत्र के में दिए हुए नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट दें। हमने सर्वे करके रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें खराबा होना दिखाया है। विधायक ने कहा कि खराबा हुआ नहीं तो आपने कैसे दिखा दिया। मैंने कहा कि सर खराबा बिल्कुल हुआ है, खेतों में घुटनों तक पानी हो गया जिससे खराबा हुआ है। तहसीलदार ने कहा कि विधायक ने बताया कि बिजाई 25% हुई है। मैंने बताया कि नहीं, 70% हो चुकी है, नरमा की बिजाई किसान कर चुका है। विधायक ने आरोप लगाया है कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है, इतना नुकसान हुआ ही नहीं है। तो मैंने उनकी बात को काटा कि खराबा हुआ है, उनका कहना था कि खराबा नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की बात कही और बोले कि बाहर जाओ। मैंने भी कह दिया कि मैं बाहर क्यों जाऊं, मैंने क्या गलत किया है। तहसीलदार चारण ने बताया कि दरअसल बैठक पंचायतों में हुए विकास कामों को लेकर थी, फसल खराबा का एजेंडा बैठक में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये एजेंडा क्यों रखा गया है। पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह कलहरी, सुपेंद्र
सरपंच सुरेंद्र जाखड़ गुर साहिब सिंह ने कहा कि तहसीलदार के खिलाफ और ओलावृष्टि मुआवजे को लेकर सोमवार सुबह 10 बजे सभी किसान और जनप्रतिनिधि एसडीएम ऑफिस का घिराव करेंगे। तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण को सस्पेंड करवाने की मांग करेंगे। तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे रणनीति बनाई जाएगी। मैं आपका अपना अमित लक्की धवन आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने यह वीडियो देखी, इसमें तहसीलदार की गलती है या विधायक की? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आप सब अपना जवाब जरूर भेजें कमेंट बॉक्स पर। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सबसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook और Instagram पेज को फॉलो जरूर करें। आप सबका साथ ही हमारी हिम्मत है। आप सबके साथ के कारण ही हम चैनल पर वीडियो प्रसारित कर रहे हैं।